हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर, यहाँ का स्वास्थ्य महकमा कितना सीरियस बर्ताव कर रहा है, इससे आप अंदाजा लगाएंगे हमारे साथी गुरदर्शन शर्मा, लोकेंद्र वैदिक और गब्बर वैदिक किस रिपोर्ट के साथ, जो बिना किसी लाइसेंस, बिना किसी सही शिक्षा के यहाँ के लोगों को दवाइयाँ और उनका इलाज करने के लिए बैठे हैं। ना जाने कितने गरीब लोग और आम ना समझ लोग इनके पास आकर इलाज कराते होंगे और ऊपर चले जाते होंगे। यह इनके गुजर बसर का तरीका हो सकता है, लेकिन इनके गुजर बसर के लिए किसी की जान खतरे में डालना कहीं से जायज़ नहीं है। देखिए साथी की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र सिंह वैदिक, मेरे सहयोगी गुरुदर्शन शर्मा और गब्बर सिंह वैदिक के साथ। आज हम आपके सामने में एक ऐसा मामला ध्यानार्थ में ला रहे हैं जो एक बहुत ही गंभीर विषय है और मुद्दा है। मुद्दा क्या है, अक्सर क्या देखा गया है, कोई झोला छाप डॉक्टर्स या क्लिनिक वगैरह ऐसे खोल रहे हैं जिनके पास ना तो कोई लाइसेंस है, ना कोई उनके पास कोई कागजात है। तो अभी मैंने ड्रग इंस्पेक्टर कुल्लू से बात की, तो मैंने उनके ध्यानार्थ में मामला लाया कि ब्रौज गाथखाना चाटी की हम फिलहाल बात करेंगे, लेकिन देखा क्या गया है पूरे हिमाचल में ये ऐसे अवैध कारोबार चले हुए हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर साहब का क्या जवाब आता है, 2 महीने पहले मैंने उनको कॉल किया था, उन्होंने कहा कि हम जो भी यहाँ पर बिना लाइसेंस वाले ऐसे क्लिनिक वाले बैठे हैं भाई, हम उनके ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने रेड मारी थी यहाँ पर 4 महीने पहले, उसके बावजूद भी एक क्लिनिक वाले धड़ाधड़ जो इन्होंने घोर का धंधा फैलाया हुआ है और अवैध रूप से दवाइयाँ बेच रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं, इनके कदम और भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारा प्रशासन, जो हमारी सरकार, जो जैसे यहाँ पर इनके लिए जो ऊपर विभाग में रखे हुए जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, ये लोग क्या देख रहे हैं, लेकिन इनकी कार्यवाही सिर्फ कागजों तक सीमित है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे, इनसे हम क्लिनिक वालों से बात करने की कोशिश करेंगे, इनके पास कागज है या नहीं है। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज, दिल्ली तक। सुनने वाले कहाँ के रहने वाले हो? आप यहाँ पर दवाइयाँ बेच रहे हैं, क्या आपके पास कोई लाइसेंस है इसका? सर मेरे पास एक ग्रीन सर्टिफिकेट है। एक्सपीरियंस कहाँ से लाया? सर वेस्ट। कोई डिप्लोमा डिग्री है आपके पास इसकी? सर नहीं है। तो आप कैसे बेच रहे हैं यहाँ पर? तो सर ये तो ऐसे ना हल्का फुल्का, ये तो ऐसा है, मतलब जो है ना ये तो घर वाले को फार्मेसी करा रहा हूँ, इसलिए करवा रहे हैं। हाँ जी, करवा रहे हैं, किया तो नहीं है ना? अभी सर आप 2 महीने रहेगा, अभी रोज हॉस्पिटल जा रहे हैं, आज सुबह भी गया है। अच्छा, सुबह भी गया है। नहीं तो ये तो बहुत बढ़िया है, ट्रेनिंग बाद में करो। दवाइयाँ आप कितने समय से बेच रहे हैं यहाँ पर? सर अभी तो साल ही रख लीजिए। साल हो गया? हाँ जी। और यहाँ के आप लोगों ने क्या हिमाचल की जनता को बेवकूफ समझ के रखा है? सर बेवकूफ तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ की जनता के साथ। कलकत्ता से आए हैं आप और यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद 3 महीने के, वो भी क्या आपको इस चीज़ का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है आपको? सर डर तो है, तो आप हाँ तो फिर ऐसे ना बच्चा को चले कि आप ऐसे ना बच्चा को भी यही पढ़ा रहा हूँ मैं। नहीं वो तो ठीक है, वो ठीक है, आप वैध काम करें, अवैध काम मत करें। ये तो है। क्यों? अब बच्चा को भी मैंने देखो साइंस लिया हुआ, मैंने उनको मेडिकल लाइन में। नहीं वो तो आपकी वो है ना, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। सर को ना कॉस्मेटिक करा भी देंगे ना, आया था कुल्लू से। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, मुझे आपके काम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप वैध काम करें, आप कागज दिखाएं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं तो मैं नहीं आपके पास। बहुत धन्यवाद। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर दवाइयाँ बेचते हुए? मेरे को हो गया जी 8-10 साल। 8-10 साल चलाते हुए। तो आपके पास इसका लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस तो हम 2-3 बार जा चुके हैं कुल्लू ड्रग इंस्पेक्टर के पास, हमने अप्लाई करके दिया है, तो जो हमारा जो डिप्लोमा है इसके थ्रू हमारे को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दे रहा, ठीक है। तो हम क्या क्या जो हम यहाँ से जो नए तरीके से हम दोबारा से अप्लाई करके आए, तो बोला इसके ऊपर आपको मिल जाएगा, तो आप इंस्पेक्शन में कब आते हैं ये मुझे पता नहीं। तो लगभग आप बोल रहे हैं 2012 में आपने यहाँ पर दवाइयाँ बेचनी शुरू की है, तो 2012 से लेकर अभी 10 साल का पीरियड हो गया है, तो अभी तक आपने ना कोई लाइसेंस बनाया, ना विभाग ने आपको लाइसेंस दिया, तो आप किस बेस पर दवाइयाँ बेच रहे हैं? इसी बेस पर जो हमारे पास डिप्लोमा है ना, यही उन्होंने ले गया, बोला इसका वेरिफिकेशन करेंगे, वो करेंगे, तो उन्होंने 2-3 बार ले गया है, उसके बाद मेरे को कोई ऐसा कुछ बोला नहीं। क्या डिप्लोमे के बेस पर
दवाइयाँ बेचने के लिए अधिकृत हो जाते हैं? नहीं, मुझे यहाँ पुलिस ने जो सचित किया है, बोला आप इमीडिएटली एक दो महीने के अंदर अंदर, बोला आपको टाइम दिया जाता है एक दो महीने का, आप रजिस्ट्रेशन पर नहीं आओ, अन्य तो आपकी दुकान बंद कर। मतलब 10 साल तक आपने लाइसेंस अप्लाई नहीं किया या आपको नहीं दिया गया? मैं 2 बार अप्लाई कर चुका हूँ लेकिन मुझे नहीं दिया। अभी अभी आपने कब अप्लाई किया है? अभी 2 महीने पहले मुझे। उससे पहले कब अप्लाई किया था? उससे पहले तो मैं शायद 2015-16 में, शायद 15-16 में अप्लाई किया था। लेकिन जब बीच में ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ पर इंस्पेक्शन पे आते हैं, तो क्या इसको बेचने को, दवाइयों को, जो चलो हम तो इसको ऐसा ही बोलें कि अवैध रूप से है, इसको बेचने के लिए मना नहीं करते हो? मना करते, उन्होंने बोला है जी भाई कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह, हाई एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं रखना है, सिर्फ अपने फास्ट एड के लिए जो अवेलेबल जो आप कर सकते हो उतना ही करना है, उसके ऊपर अपने आगे नहीं जाना है, ग्लूकोज ड्रिप वगैरह नहीं चढ़ाना, इंजेक्शन। मतलब आप 2012 से लेकर 2022 तक बिना लाइसेंस के दवाइयाँ बेच रहे हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है? हाँ जी। ओके, धन्यवाद।